लेफ्ट टू राइट कर लीजिए सर। कभी इसने सोचा ही नहीं था कि कभी ये एक कमरे में बैठेगा जहां पर कंप्यूटर से गिरा हो और एक पूरी की पूरी फिल्म जो है एक एक स्टूडियो 60x60 में स्टूडियो में बना देगा, जहां आपने इमेजेस देखे हैं, ट्रेन है, चलती है, स्टेशन हैं, स्नो लैंडस्केप्स हैं, क्या नहीं है। ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में पले बने हैं, जहाँ पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे, इसका कॉस्ट क्या है, कितना बड़ा होगा। और ये जो इमेजेस थी, ये रईसों की जागीर, बड़े लोगों की जागीर थी, जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। मगर टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट लेवलर। शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब इस वेयर की शूटिंग पर टिम कुक आए थे, एप्पल के सीईओ, उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था, ऐसे, दिस इज द टूल दैट विल चेंज द वर्ल्ड, नाउ यू कैन मेक मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट मूवीज, कंज्यूम मूवीज ऑन दिस, एनीबडी हु हैज आइडियाज कैन नाउ मेक अ मूवी एंड रीच पीपल। आज जब हम सड़कों में चलते हैं, जब आप देखते हैं कि आप जो लड़का सड़क साफ कर रहा है, उसके पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अपने घर वालों से वो वीडियो कॉल कर रहा है, तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई है। ऐसा कुछ किया है बच्चे ने, और सचिन भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता है जो एक पहिया बनाता है, जीनियस वो होता है जो बाकी 3 पहिये जोड़ता है। इन्होंने आगे 3 पहिये जोड़े हैं और जब जाके हमारा एक वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट, और ये क्रांति ही है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमने सब कुछ शुरू किया था 70s में, मिचेल का जमाना था, लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे, हैवी हैवी इक्विपमेंट देखो, पहाड़ों पे जाते थे, कमर टूट जाती थी। मगर आज ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये संभव है कि स्टोरी टेलिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबॉडी, एंड दैट इज व्हाट द रियल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इज। हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके जरिए रीजनल सिनेमा के हमारे क्रिएटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनका बहुत मीगर बजट होता है, पंजाबी फिल्म मेकर्स हो, बंगाली फिल्म मेकर्स हो, ओडिया फिल्म इंडस्ट्री हो, उनकी कोने कोने से जिसके पास बहुत ही मॉडरेट बजट है और जिसने जिसके जहन में वो सपने तो हैं कि ऐसे इमेजेस हों, मगर पैसे नहीं है, वो आए हमारे पास। ओटीटी का कॉन्टेंट क्रिएट करना है आपको, टेलीविजन का कॉन्टेंट क्रिएट करना है आपको, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये हुआ कब? सबसे भयानक मोड़ पे अब जब आए, जब कोविड ने घेरा और बिल्कुल लगता था बस या तो हम पाताल में जाएंगे या शायद एक दिन और जी पाएंगे, ऐसे में बच्चे ने जुर्रत करके अपने आप एक कदम उठाया और एक ऐसी दिशा में चल दिया जहां से इसने अनरियल इंजन और ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को एक्सप्लोर किया। इसके जुदा होके भी हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन एक सबूत है, एंड हिंदुस्तान की आवाम ने इसको सराहा है। कोई मजाक में बोल दे के साथ ये अनरियल इंजन का शॉट जो है अनरियल है, आपके मतभेद हो सकते हैं कंटेंट को लेकर, बहुत पिक्चर के बारे में होता है, मगर जो आम हिंदुस्तानी है या जो सोफिस्टिकेटेड हिंदुस्तानी भी है वो ये देखती ही नहीं बोलता कि ये लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम उस 60x60 के सेट से भारी नहीं है। ये अपने आप में रहस्य है। जैसे आप ये वर्चुअल बना रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट पे
जब वी विल बी वर्किंग ऑन द मूवी, मूवी का एक स्टोरी लाइन आपके पास आता है और उसके ऊपर आप हाउ मेनी डेज एंड हाउ द बजट विल बी वर्क ऑन दैट? तो देखिए स्टोरी लाइन पे है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बनाना मुश्किल नहीं होता, कुछ तो एसेट्स मिल भी जाते हैं हमें, जैसे आपकी एक मॉडर्न सिटी की कहानी है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जो बना रही है 1920, तो उसे चाहिए था एक जाने के लिए, क्योंकि 1920 में गेटवे ऑफ इंडिया बन रहा था और ताजमहल होटल बन चुकी थी, तो शी सेड पापा आई वांट टू शूट अ सीन व्हेन ताजमहल होटल इज बीइंग मेड एंड ताजमहल गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड एंड ताजमहल होटल इज देयर। मैंने कहा कि बेटा मेरे को एक आधा अधूरा सा गेटवे ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा इसलिए, या बट इट्स वर्चुअल नो, तो हमने एक्चुअली बनाया है, इट्स द फर्स्ट टाइम यू विल सी द गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड, इट्स हाफ मेड, बैंबू वैम्बू लगे हुए हैं, ताजमहल होटल पास में और सामने लव सीन चल रहा है, दिस इज द पावर ऑफ अंडरलाइन। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके लिए मतलब व्हाट आई वुड से मेड टू ऑर्डर, देन यू हैव टू मेक इट, अदरवाइज अगर आपको पहाड़ चाहिए, रास्ते चाहिए, पेड़ वेड़ चाहिए, फल चाहिए, तो वो तो है ही, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट दैट हाउ मच हाउ मेनी मैन आवर्स आर यू गोइंग टू यूज ऑफ द टेक्नीशियंस टू क्रिएट दैट। सर मैंने सुना है कि इसमें इवन हीरो या हीरोइन अगर आपको चाहिए, अगर मे बी बहुत ही कोई बड़ा स्टार है तो वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली आकर, वी कैन क्रिएट दैट आल्सो। आई हैव डन दैट इन लगाओ। ओह अच्छा, कुछ ऐसे शॉट्स हैं जहां पे एक्टर्स को मैंने एनिमेट किया, एक्टर्स थे ही नहीं। मेटा ह्यूमन इज द लेटेस्ट अनरियल इंजन थिंग, ऑल यू नीड इज अ पिक्चर ऑफ द एक्टर एंड यू कैन पुट इट ऑन द मेटा ह्यूमन and you don't think the actor for the white shot. It's happening, my friend. Thank you.